বেশ কয়েকটি রাজ্যে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আজও। এ নিয়ে আবহাওয়া দপ্তর কি জানিয়েছে এক নজরে জেনে নেওয়া যাক। अगर हम आज के जो हमारे मौसम के सिस्टम से उनकी बात करें तो जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वो समूचे नॉर्थ ईस्ट से वापस हो चुका है। आज उसने असम मेघालय के बचे हुए इलाकों से अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा और बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के ज़्यादातर इलाकों से वापसी कर ली है। आज जो दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा है वो गोपालपुर रायपुर खरगांव नंदुबार नवसारी से होती हुई गुजर रही है। अगले दो दिनों के अंदर इसके जो गुजरात के छोटा सा इलाका बचा है उससे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से और वापस होने की उम्मीद बनी हुई है। साथ ही अगले दो दिनों के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून समूचे भारतवर्ष से वापस हो जाएगा और इसी के साथ ही जैसे ही हमारी ईस्टर्ली और नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो हैं वो हमारे जो दक्षिणी प्रायद्वीप भारत है उसके ऊपर उनका प्रवाह तेज होगा तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है उसके दरमियान रेनफॉल होने की भी प्रोबेबिलिटी हमारे जो दक्षिण पेनिनसुलर इंडिया है प्रायद्वीप भारत है उसमें ज़्यादा बनी हुई है। इसके साथ ही एक डिप्रेशन हमारा सेंट्रल अरेबियन सी के ऊपर बना हुआ है। इसके अगले 24 घंटे के दौरान वीकन होने की और एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावनाएं हैं। ये वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड ओमान की तरफ ही मूवमेंट अगले दो दिनों तक करता रहेगा। साथ ही इस डिप्रेशन से एक जो ट्रफ है वो हमारा सेंट्रल अरेबियन सी से कोमरिन एरिया तक जा रहा है जो कि हमारा साउथ केरला और जो तमिलनाडु के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उससे होता हुआ गुजर रहा है। इसी के साथ ही एक लो प्रेशर एरिया हमारा जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल है उसके ऊपर भी स्थित है। इसके अगले दो दिनों के अंदर और इंटेंसिफाई होके एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावनाएं हैं और इसकी भी मूवमेंट जो है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगी। यानी ये साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल से तमिलनाडु पुडुचेरी और उससे सटे हुए साउथ आंध्रा कोस्ट है उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी बे ऑफ बंगाल और तटीय आंध्र प्रदेश जो है उसके ऊपर भी स्थित है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी ईस्ट असम के ऊपर स्थित है। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में अगर हम आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसके प्रभाव में जो रेनफॉल एक्टिविटी हमारी साउथ ईस्ट पेनिनसुला के ऊपर होनी है वो 15 से 16 अक्टूबर के बीच में शुरू हो जाएंगी। साथ ही ये जो लो प्रेशर एरिया हमारा साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे है इसके प्रभाव में भारी से बहुत भारी और अत्यंत भारी वर्षा होने की भी तमिलनाडु केरला और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में 14 से 17 तारीख के बीच में प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है और रायल सीमा है उसमें 14 से 16 अक्टूबर के बीच में भी भारी से बहुत भारी वर्षा और एक आध जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। अगर हम 14 अक्टूबर यानी आज के बारिश के पूर्वानुमान की बात करें तो आज समूचे आंध्र प्रदेश में बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तमिलनाडु और केरला में भी बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो हमारा SIK और CK है वहाँ पे ये भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात कोंकण गोवा में भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर 15 अक्टूबर की हम बात करें तो 15 अक्टूबर में समूचे जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। तमिलनाडु में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी अत्यंत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरला में भी बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। साथ ही जो SIK यानी दक्षिण आंतरिक कर्नाटक है वहाँ पे भी बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें तो CK कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी रहेगा। 16 अक्टूबर के दिन तमिलनाडु में अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है
उसके जो सीमावर्ती इलाके हैं उससे जो सटे हुए राज्य हैं जिसमें आंध्र प्रदेश, दक्षिणांतरिक कर्नाटका और केरला है, वहाँ पे बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट लगातार तीसरे दिन जारी रहेगा। साथ ही सी के और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पे भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 अक्टूबर के दिन एसआई के जो है हमारा दक्षिणांतरिक कर्नाटक है वहाँ पे अत्यंत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही रायलसीमा तमिलनाडु, केरला और तटीय कर्नाटक जो है वहाँ पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बहुत भारी वर्षा का। जो हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है वहाँ पे येलो अलर्ट जारी किया गया है भारी वर्षा का। 18 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 18 अक्टूबर को केरला और लक्षद्वीप में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 19 और 20 अक्टूबर को समूचे भारतवर्ष में कहीं भी हैवी रेनफॉल की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें, मछुआरों भाइयों से हमारा निवेदन है कि क्योंकि दो हमारे लो प्रेशर सिस्टम्स एक अरेबियन सी में और एक बे ऑफ बंगाल में स्थित हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि 14 तारीख के लिए यानी आज के लिए जो हमारा वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी है वहाँ पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल सकती हैं, वहाँ के लिए हमने आज मछुआरों के लिए चेतावनियाँ जारी की गई हैं। अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें तो जो हमारा दक्षिण आंध्र प्रदेश कोस्ट है वहाँ से लेके समूचे तमिलनाडु कोस्ट के लिए अगले पाँचों ही दिन के लिए स्क्वाली विंड्स की वार्निंग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की वार्निंग जारी की गई है। इनकी जो अधिकतम रफ्तार होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है और वो 16, 17 और 18 अक्टूबर के दिन हो सकती है। साथ ही 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के लिए केरला कोस्ट और जो हमारा कर्नाटक कोस्ट है वहाँ के लिए भी 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाएं चलने की मछुआरों के लिए वार्निंग जारी की गई है। तो हमारा निवेदन है कि अगले पाँच दिनों के लिए बे ऑफ बंगाल में, साउथ बे ऑफ बंगाल में यानी साउथ आंध्रा कोस्ट से लेकर तमिलनाडु कोस्ट तक और केरला कोस्ट से कर्नाटक कोस्ट तक अरेबियन सी में वहाँ पे मछुआरे समुद्र में ना जाएं।